दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1991 में रिलीज हुई एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म फूल और कांटे। फ्रेंड्स, इस फिल्म से अजय देवगन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और यह उनके करियर की पहली फिल्म थी। साथ ही इस फिल्म की वजह से अजय देवगन का बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू हुआ था। फूल और कांटे फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जो साल 1991 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म की वजह से अजय की एक बेहतरीन एक्शन हीरो की इमेज बनी थी, जो उन्होंने बाद में भी कायम रखी थी। दरअसल फ्रेंड्स, अजय देवगन के इस धमाकेदार डेब्यू का श्रेय उनके पिता वीरू देवगन को भी जाता है, जो बॉलीवुड फिल्मों के एक नामचीन एक्शन डायरेक्टर थे और इन्होंने ही अजय देवगन को फिल्मों में लॉन्च करवाया था। साथ ही फूल और कांटे फिल्म में बेहतरीन एक्शन सीन्स को डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म का सबसे फेमस सीन था अजय देवगन का कॉलेज एंट्री वाला सीन, जिसमें वो दो बाइक पर खड़े होके कॉलेज आते हैं। यह सीन उस वक्त काफी फेमस हुआ था और इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए वीरू देवगन ने काफी मेहनत की थी। इस कारण यह सीन आज भी बॉलीवुड फिल्मों का एक आइकॉनिक सीन है। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म में हमें अजय देवगन के अलावा मधु, अमरेश पुरी, रजा मुराद, अरुणा ईरानी, जगदीप और आरिफ खान महत्वपूर्ण किरदारों में देखने को मिले थे। दोस्तों, फिल्म का बजट रखा गया था 3 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी लगभग 12 करोड़ और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म का डायरेक्शन कुक्कू कोहली ने किया था और अजय देवगन की तरह इनकी भी ये पहली यानी डेब्यू फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। फ्रेंड्स, कुक्कू कोहली का रियल नाम अवतार कोहली है। इन्होंने राज कपूर साहब के असिस्टेंट के रूप में काम किया था और उनसे फिल्म मेकिंग के गुर भी सीखे थे। इसके साथ ही सनी देओल की फिल्म बेताब के ये सेकंड यूनिट डायरेक्टर रहे थे और सनी देओल की ही फिल्म अर्जुन के एक्शन सीक्वेंस भी इन्होंने डायरेक्ट किए थे, जहां से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और फूल और कांटे फिल्म इनके द्वारा डायरेक्ट इनकी पहली फुल फ्लेज्ड फिल्म थी, जिस फिल्म ने अजय देवगन को एक स्टार का दर्जा दिलाया। इस फिल्म के बाद भी इन्होंने अजय के साथ सुहाग, हकीकत दो फिल्में और बनाई, जो भी सफल रही थी। फ्रेंड्स, कुक्कू कोहली की पत्नी अरुणा ईरानी हैं, जो काफी फेमस एक्ट्रेस हैं और फूल और कांटे फिल्म में भी इन्होंने एक किरदार निभाया है। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म की कहानी अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जहां उन्हें एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाया गया है जो पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है। फिल्म में पूजा वाला रोल निभाया है मधु ने। कॉलेज में अजय एक साहसी लड़का दिखाया गया है, जो एक बिगड़े लड़के रॉकी से पंगा लेता है, क्योंकि रॉकी कॉलेज में ड्रग्स लेता है और दूसरों को भी सप्लाई करता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि अजय डॉन नागेश्वर का इकलौता बेटा है। डॉन नागेश्वर का रोल अमरेश पुरी ने निभाया है। अजय अमरेश पुरी से नफरत करता है क्योंकि वो एक स्मगलर और क्रिमिनल होता है। साथ ही अजय देवगन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी अपने पिता यानी अमरेश पुरी को मानता है। अजय और मधु की शादी हो जाती है और मधु एक बेटे को जन्म देती है। फिल्म में अमरेश पुरी के कुछ दुश्मन भी दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे मुख्य दुश्मन रजा मुराद है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और अजय के छोटे बच्चे का किडनैप हो जाता है। उसे लगता है कि अमरेश पुरी के किसी दुश्मन ने ये काम किया है। अजय पर भी हमला होता है। इस कारण अमरेश पुरी और अपनी पत्नी के फोर्स करने पर अजय अपने पिता यानी अमरेश पुरी के घर रहने को तैयार हो जाता है। अजय और अमरेश पुरी दोनों के बीच बाप बेटे के रिश्ते थोड़े ठीक होने लगते हैं। तभी फिल्म की कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहां हमें दिखाया गया है कि अजय को खुद के करीब लाने के लिए उसके बच्चे का किडनैप खुद अमरेश पुरी ने करवाया होता है। इसके बाद फिल्म की कहानी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और फिल्म की एंडिंग किस तरह होती है, जानने के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अजय देवगन को
फूल और कांटे फिल्म के लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्टर का खिताब मिला था और यह अवार्ड उनको धर्मेंद्र जी ने अपने हाथों से दिया था। साथ ही अजय की तारीफ करते हुए धर्म जी ने अजय को अपना तीसरा बेटा तक कह दिया था और ये काफी मेमोरेबल मोमेंट था। दोस्तों, जिस दिन फूल और कांटे फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी लम्हे, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। यह एक बड़ी फिल्म थी, इस कारण इस फिल्म के मेकर्स ने और अनिल कपूर ने कुकू कोहली, अजय देवगन और फिल्म की हीरोइन मधु को समझाया था कि वो अपनी फिल्म उनकी फिल्म के साथ रिलीज ना करें, क्योंकि फूल और कांटे फिल्म के डायरेक्टर और हीरो की ये पहली फिल्म है, वहीं दूसरी तरफ नामचीन हीरो हीरोइन और डायरेक्टर की फिल्म है। लेकिन फिर भी फूल और कांटे फिल्म की रिलीज डेट को चेंज नहीं किया गया। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई, लेकिन जहां फूल और कांटे फिल्म एक सफल फिल्म साबित हुई, वहीं लम्हे एक फ्लॉप फिल्म। दोस्तों, बताया जाता है कि सबसे पहले संजय दत्त को फिल्म फूल और कांटे के लिए साइन किया गया था, लेकिन वो इस फिल्म को डेट्स नहीं दे पा रहे थे सड़क फिल्म की शूटिंग की वजह से, इस कारण उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। फिर अक्षय कुमार को फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि अक्षय फिल्म के लिए ज्यादा फीस की डिमांड करने लगे थे, इस कारण उनको फिल्म से हटा दिया गया था। वैसे अक्षय उस वक्त खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, हो सकता है ये कारण रहा हो उनका फिल्म फूल और कांटे ना करने का। पर अंत में फिल्म में अजय देवगन को लेने पर सहमति बनी और यह फिल्म अजय की झोली में आ गई। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म में अमरीश पुरी द्वारा निभाया डॉन नागेश्वर का किरदार काफी फेमस हुआ था और इस किरदार में अमरीश पुरी ने दमदार अभिनय किया था। वैसे इस किरदार के लिए फिल्म के मेकर्स ने दिलीप कुमार साहब और राजकुमार को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को निभाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, इस कारण यह रोल अमरीश पुरी को मिला। दोस्तों, फूल और कांटे फिल्म की हीरोइन के रोल के लिए सबसे पहले जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं थी, इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाई। इसके बाद दिव्या भारती को अप्रोच किया गया, वो भी अपनी फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग में बिजी होने के कारण इस फिल्म को यस नहीं कर पाई। फिर टिस्का चोपड़ा को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, इस वजह से उनसे भी बात नहीं बन पाई। फिल्म की हीरोइन की तलाश में फिर रितु शिवपुरी को अप्रोच किया गया। इस बार अमरीश पुरी ने खुद रितु और उनकी माँ से रिक्वेस्ट की इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन रितु नहीं मानी। अगर वो मान जाती तो यह फिल्म उनके भी डेब्यू फिल्म होती। बाद में गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें से रितु ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दोस्तों, तमाम मेहनत के बाद फिल्म के लिए एक्ट्रेस मधु को साइन किया गया। मधु की ये पहली हिंदी फिल्म थी, इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक तमिल फिल्म की थी। फूल और कांटे फिल्म के बाद भी मधु ने ज्यादातर काम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही किया था। हालांकि उन्होंने काफी हिंदी फिल्में की एज ए हीरोइन, लेकिन इन्हें जो सफलता फिल्म फूल और कांटे से मिली वो किसी और हिंदी फिल्म से नहीं। रोजा फिल्म में निभाया उनका रोल भी काफी पसंद किया गया था, जो एक तमिल फिल्म थी और उसे हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों, मधु का फिल्मी सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इन्होंने फूल और कांटे फिल्म से पहले एक फिल्म साइन की थी लहू लुहान। इस फिल्म के कुछ सीन्स भी इन्होंने शूट कर लिए थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को इनका काम पसंद नहीं आया और उन्होंने मधु को फिल्म से निकाल के किमी काटकर को फिल्म में ले लिया था। फ्रेंड्स, मधु ने फिल्म सनम बेवफा के लिए भी ऑडिशन दिया था, जहां फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार टांक ने मधु को शगुन देकर कहा था कि वो इस रोल के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। फिर दो दिन बाद मधु को पता चलता है कि चांदनी को उनकी जगह वो रोल दे दिया गया है और इसका कारण उन्हें बताया जाता है कि वो लंबे लंबे उर्दू के डायलॉग्स उनसे बेहतर तरीके से नहीं बोल पाएंगी। दोस्तों, फिल्म के क्लाइमैक्स में रजा मुराद और अजय देवगन का
एक फाइट सीक्वेंस भी रखा गया था जो एडिटिंग के वक्त फिल्म से हटा दिया गया था फिल्म की ड्यूरेशन कम करने के लिए। वैसे फ्रेंड्स रजा मुराद वाले रोल के लिए मेकर्स ने अनुपम खैर को पहले अप्रोच किया था, उनके मना करने के बाद ये रोल रजा मुराद को मिला था। दोस्तों फूल और कांटे फिल्म के राइटर इकबाल दुर्रानी ने भी फिल्म में एक रोल निभाया था। वैसे इस फिल्म के लिए विनोद मेहरा को भी साइन किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने की वजह से वो हमें इस फिल्म में नहीं दिख पाए। वैसे वो कौन सा रोल फिल्म में निभाने वाले थे इस बात का पता कभी नहीं चल पाया। दोस्तों फूल और कांटे फिल्म में रॉकी वाला किरदार आरिफ खान ने निभाया था। इस फिल्म के बाद भी इन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए थे, जिनमें प्रमुख फिल्में थी मुस्कुराहट, हलचल और वीर गति। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग करियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अपनी लाइफ लगा दी और आज वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोस्तों फूल और कांटे फिल्म के बाद अजय देवगन ने दूसरी फिल्म प्यार भरी वादियां साइन की थी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे नजीर हिरेकर। फिल्म की कास्ट में अजय देवगन के अलावा शम्मी कपूर, आशा पारिक और मासूमा हिरेकर थी। फ्रेंड्स मासूमा हिरेकर फिल्म के डायरेक्टर नजीर हिरेकर की स्टेप डॉटर थी और इस फिल्म के माध्यम से नजीर मासूमा को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन यह हो नहीं पाया और ये फिल्म भी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि मासूमा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में अपनी कलाई काट के आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि वो हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के संग घर बसाना चाहती थी, लेकिन नजीर उन्हें फिल्मों में हीरोइन बनाना चाहते थे। लेकिन इन सब बातों से नजीर हिरेकर ने इनकार किया था और उन्होंने मासूमा की मौत को एक एक्सीडेंट बताया था। दोस्तों फूल और कांटे फिल्म का म्यूजिक भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म के कुछ फेमस सॉन्ग्स इस प्रकार हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है और मैंने प्यार तुम्ही से किया है। इन गानों में आवाज दी थी कुमार शानू, अलका याग्निक और अनुराधा पौंडवाल ने और फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट किया था नदीम श्रवण ने। दोस्तों यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपकी कौन सी याद इस फिल्म से जुड़ी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी।